जेपी सीमेंटेड चौखट दुकान, सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छत से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कांडी से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। लॉकडाउन में दवा और इलाज के अभाव से कैंसर पीड़ित की हुई मौत। कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पत्रिया पंचायत की ग्राम सड़की में कैंसर रोग से ग्रसित 40 वर्षीय युवक की गुरुवार की शाम मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 40 वर्षीय केशवर राम पिछले 2 महीने से कैंसर रोग से पीड़ित था। वे स्थानीय स्तर से इलाज कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची, टाटा, वाराणसी, बिहार के गमहौर सहित कई अन्य जगहों पर इलाज कराने के बावजूद भी बीमारी सही नहीं हो पा रही थी। उसके परिजनों ने बताया कि जब टाटा स्थित कैंसर अस्पताल में दिखाने पर पता चला कि उसे कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है। डॉक्टरों द्वारा जवाब देने पर परिवार वालों ने घर लेकर आ गए, जहां गुरुवार की शाम उसकी मौत हो गई। उक्त युवक की गुरुवार को अचानक मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार का एकमात्र कमाऊ व्यक्ति चला गया और 4 मासूम पुत्र व पुत्री दुर्गा कुमारी, नितेश कुमार, सुरेखा कुमारी, अंकुश कुमार एवं पत्नी 35 वर्षीय सरिता देवी के सिर से पिता का साया उठ गया। मृतक केशवर राम अपना इलाज कैंसर अस्पताल टाटा में करा रहा था। इलाज और चिकित्सक सलाह तथा दवाइयां लेकर वह 2 माह पहले सड़की गांव लौट आया था। 1 माह के बाद उसे पुनः जांच के लिए जाना था, जिस कारण 1 माह की दवाइयां ही वह लेकर आया था। नतीजतन कैंसर से लड़ते लड़ते वे हार गया और गुरुवार को दम तोड़ दिया। वहीं पंचायत के मुखिया रिंकी देवी ने मृतक के दाह संस्कार हेतु 1000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि पिंकू पांडे, बीडीसी प्रमोद राम ने भी मृतक के आश्रितों को गुप्त दान दिया। बीडीओ जोहन टूडू से भी इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हर संभव मृतक के परिवार वालों को सरकारी प्रावधान के अनुसार पारिवारिक लाभ भी दिया जाएगा। रमेश राम, मृतक के कौन हैं आप? भाई, छोटा भाई। तो उनका मृतक का क्या नाम था? केशवर राम। केशवर राम, कितना उम्र है उनका? 40 वर्ष। कैसे मरे वो? कैंसर। कैंसर से इलाज चल रहा था उनका? जी। कब से इलाज चल रहा था? यही 2-2.5 महीने से पहले से चल रहा था। कहाँ कहाँ इलाज कराए? बनारस कराए, फिर रांची कराए, फिर टाटा, फिर गए जमुहार, बिहार में गए। इसके पहले कोई बताया कि झाड़ फूक से ठीक होता है। फिर हम लोग एमपी में, महाराष्ट्र में जबलपुर गए, हम लोग यहाँ से 800 किलोमीटर, तो वहाँ से भी हम लोग पूरा थक उक करके फिर दोबारा हम लोग गए बनारस। तो बनारस रागनी में गए तो वहाँ पर हमको बताया कि आप कितना रुपया खर्चा कर दीजिए, बचने वाला बात नहीं है, आप स्वयं घर लेके जाइए, जो पैसा बचाइएगा वो पैसा इनके बाल बच्चे के लिए काम करेगा, आप पैसा खर्चा आप लोग मत कीजिए, मत कीजिए। तो इनके लड़के लोग कितने हैं, बच्चे लोग? 2 लड़का 2 लड़की। एक लड़की का उम्र है 11 वर्ष, एक जो लड़का है सेकंड वाला है 8 वर्ष, एक लड़की है वो है 5 वर्ष, एक छोटा लड़का है जो वो है 3 वर्ष। पत्नी का क्या नाम है इनका? सरिता देवी। एक मतलब कुछ करते थे क्या, खेती गृहस्थी करते थे? कुछ नहीं है, अभी खेती गृहस्थी हम लोग का कुछ नहीं है सर, हम लोग केवल कमाता खाता थे। अच्छा, केवल कमाने खाने वाले? जी, कमाने खाने वाले। गरीब गरीब परिवार से हम लोग। मजदूरों से भरे पिकअप वैन तेलंगाना राज्य में पलटी, 2 गंभीर रूप से घायल। कांडी थाना क्षेत्र के ग्राम पतीला के मजदूरों को मुरलीनगर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश ले जा रहा पिकअप वाहन कार से सीधी टक्कर हो जाने पर खाई में पलट गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उक्त घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। पतीला से मजदूर लेकर जा रहे पिकअप वैन नंबर JH03AA7681 में करीब 8 से 10 मजदूरों को लेकर गैस कटर का कार्य के लिए आंध्र प्रदेश के मुरलीनगर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वाहन तेलंगाना पहुंचा, वह कार से सीधी टक्कर हो जाने पर सड़क पर पलट गया, जिससे इसमें सवार मजदूर घायल हो गए। श्री लोगों ने घटना के तुरंत बाद निजाम अंसारी, अंजार अंसारी, इलियास अंसारी, इब्रान अंसारी, शहनवाज बीबी सहित अन्य घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धन्यवाद।
आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंडवा गढ़वा झारखंड ANM GNM D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे। गरीबों का एक ही मसीहा विश्रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुभी है जहाँ, पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।